हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ हमारे मोदी केयर के सोल फ्लेवर जस्ट हीट टू ईट प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। और आज मैं करने वाली हूँ हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट शाही पनीर का। मैं यहाँ पर आप लोगों को आज रिव्यू देने वाली हूँ कि ये किस तरह का है, और इसे मैं अभी ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है एंड इसकी क्वांटिटी जो है वो किस तरह की है, सब कुछ हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इसको जो गर्म करने का टेक्निक है वो पिछले वीडियो मैंने में जो किया था उससे थोड़ा अलग है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो जस्ट हीट टू ईट प्रोडक्ट है शाही पनीर, इसके अंदर भी किसी तरह का कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है। दैट मीन्स नो MSG, नो प्रिजर्वेटिव, नो एडेड आर्टिफिशियल फूड कलर, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा है, हेल्दी भी हमारे लिए, और जो भी जब जी चाहे तब खा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी वीडियो। तो आज मैं करने वाली हूँ इसे गरम। तो गरम करने के लिए मैं आज किसी पैन का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आज हम इसे करेंगे गरम पानी में डिप। तो ये मैंने गरम पानी ले लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा गरम पानी है, और इसके अंदर हम इस पनीर को डालेंगे। तो ये मैंने पैक ओपन किया एंड देख सकते हैं, और इसके अंदर भी ये शैशे है कुछ इस तरीके का, और इस पर भी लिखा हुआ है सोल फ्लेवर शाही पनीर, और इसके ऊपर डेट मेंशन है कि ये कितने दिन तक चलेगा। तो ये भी एक साल तक चलने वाला है। तो चलिए इसे अब हम डाल देते हैं अपने इस गर्म पानी के अंदर, और ये गर्म पानी में कम से कम हमें इसे 5 मिनट तक छोड़ देना है। तो इसी तरह से हम इसे पानी के अंदर ये डिप करके छोड़ देंगे। आफ्टर 5 मिनट हम देखेंगे कि ये गर्म हो चुका है। तो अब ये 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और फिर अब हम इसे कट कर लेते हैं। अपने हाथों से ही ओपन कर ले रहे हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो आप देखिए, अब मैं इसे, तो ये मैंने इसे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और हम देखेंगे, देखिए कितना जो थिक है ग्रेवी, और जो पनीर है ये भी इसके पीसेस काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो मैं इसे पहले अच्छे से निकाल लेती हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो मुझे अब कुछ नहीं करना है, अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। और यहाँ पे जो पीसेज हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पीसेज हैं, और इसे मैं अभी अपने हाथ से टच करके दिखाती हूँ कि जो पीसेज हैं वो सॉफ्ट हैं या टाइट हैं। तो जो पीसेज हैं पनीर के, ये काफ़ी अच्छे सॉफ्ट पीसेज हैं। मैं यहाँ पे आपको एक पीस तोड़ के दिखा देती हूँ कि देखिए, जो पनीर है ये काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट पनीर है, बिल्कुल रबड़ जैसा टाइट नहीं है, काफ़ी अच्छा है। गर्म होने के बाद ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, और जो ग्रेवी है ये भी काफ़ी अच्छी और थिक है। तो इसे अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसे लेते हैं, एंड अभी मैं टेस्ट करके बताने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अभी टेस्ट करने वाली हूँ, और दिखाती हूँ आपको टेस्ट करके कि इसका टेस्ट कैसा है। जो पनीर का टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा है, एंड बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है, जैसे हम अपने घर में पनीर लाते हैं बिल्कुल वैसा सॉफ्ट पनीर है। बिल्कुल यहाँ पे जो पनीर है वो टाइट नहीं है। बहुत से कई बार आप देखे होंगे कि जो पनीर होता है मार्केट का वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, चिबी होता है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है, स्पंजी है। सो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, एंड ये जैसे कि शाही पनीर है तो इसका टेस्ट भी मेरे मुंह में काफ़ी अच्छा आ रहा है, एंड जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, इट्स यम्मी। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।